हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए एक कंपनी को लेकर के आया हूँ, विकास लाइफ केयर लिमिटेड। उससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार ज़िंदगी जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हैं ताकि आपके साथ में कोई भी फीमेल रहने में कोई भी संकोच या दिक्कत महसूस नहीं कर रही है। तो चलते हैं दोस्तों, विकास लाइफ केयर लिमिटेड जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा 1995 में निर्मित विकास लाइफ केयर लिमिटेड प्लास्टिक, सिंथेटिक और प्राकृतिक रबर, इन्फ्रा, कृषि उत्पादों, FMCG उत्पादों आदि के लिए पॉलीमर रबर यौगिकों और एडिटिव्स का व्यापार और निर्माण करता है। और डिटेल में अगर जानना चाहे तो आगे भी देख सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर खुल चुका है तो अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसको वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों इसके और डाटा के ऊपर, जो कि इस प्रकार है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मार्केट कैप 631 करोड़, करंट प्राइस 4.40 रुपये, जो कि आज 4.85 रुपये पर भी गया था, क्योंकि आज रिजल्ट आने वाला, रिजल्ट नहीं, आज इसका बोर्ड मीटिंग था जो कि हो चुका है, उस पर भी चर्चा करेंगे। इसका 52 वीक का हाई लो 5.40 रुपये और 2.66 रुपये, बुक वैल्यू 2.31 रुपये है। मैं मेन पॉइंट को बोलता हूँ, इंटरप्राइजेज वैल्यू 652 करोड़ का हो चुका है, प्राइस टू सेल्स 1.31। इसका चार्ट देखिए, जैसा कि मैं 2-3 दिन पहले मैं बोल चुका था कि हाँ ये अप लेवल पकड़ने वाली है अभी स्टॉक, और वही हुआ। इसमें प्रोज कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, यानी कि डेब्ट फ्री कंपनी है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, यानी क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद है। डेब्टेड डेज हैव इम्प्रूव फ्रॉम 180 टू 130 दिन, 130 दिन हो गया है। कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 182 दिन से 101 दिन हो गया। कॉन्स, कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रमोटर होल्डिंग 11.4% और प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड ओवर लास्ट 3 ईयर्स। तो ये कोई मायने नहीं है, मतलब बहुत बड़ा कॉन्स नहीं है, जो कि प्रोज बोलते हैं। इसका पियर्स कंपनी है अडानी इंटरप्राइजेज, एजी लॉजिस्टिक्स, रेडिंगटन, रेड टैप, MMTC, रैन इंडस्ट्रीज, हिंडवेयर, होम इन, और आठवां है विकास लाइफ केयर खुद। क्वार्टरली रिजल्ट भी ठीक ठाक है, आगे भी क्वार्टरली रिजल्ट आएगा तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही आएगा, ये प्रोग्रेस कर रहा है। TTM देखते हैं तो इसमें माइनस में EPS बता चुका है। बैलेंस शीट अगर देखते हैं मार्च 2023 का, तो टोटल एसेट 455 करोड़, जो कि 2021 में 149 करोड़ का था, मार्च 2022 में 321 करोड़ का, और अभी मार्च 2023 में 455 करोड़ का हो चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है ये। रिजर्व में भी इसके पास 187 करोड़ का हो चुका है, कैश फ्लो प्लस में है, यानी कि 4 करोड़ का, उससे पहले 2022 में 8 करोड़ का, तो अच्छा ही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो जैसा कि ऊपर मैं बता चुका हूँ, 11.40% प्रमोटर होल्डिंग है, गवर्नमेंट के पास में कुछ भी नहीं है, मतलब FIH के पास में 9 के बराबर है, पब्लिक के पास में
पूरी माल भर भर के पड़ा हुआ है। अब इसका अगला जो है, आज जो रिजल्ट जो आया है उस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, आज दिनांक 31 अगस्त 2023 विकास लाइफ केयर का लिमिटेड का बोर्ड मीटिंग था, जो कि बोर्ड मीटिंग में क्या निर्णय हुआ वो रिपोर्ट जारी हो चुका है। आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन अगस्त 31, 2023। इस में सारांश है जो कि पूरा बोर्ड मीटिंग में, वो मैं आपको अच्छा से दिखा देता हूँ। पढ़ना हो तो इस वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। इसमें जो लिखा हुआ है, बस इसमें इम्पोर्टेंट, मेरे हिसाब से देखने लायक, नीचे इस पेज पर देखने से समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। तो इसमें है कि 10 करोड़ वारंट जारी किया जाएगा, यानी कि उससे संबंधित चर्चा किया गया है। और नीचे में जो लिखा हुआ है इशू प्राइस, तो 4 रुपये प्रति वारंट इक्विटी शेयर, उसमें 2 टर्म में पैसा लिया जाएगा, जो कि 1 रुपये ईच के हिसाब से, मतलब प्रत्येक वारंट इक्विटी शेयर के हिसाब से, और 3 रुपये प्रीमियम, जो कि 18 मंथ के अंदर पेड करना होगा, जो कि सबसे नीचे में चर्चा किया गया। तो इसके पास में और फंड इकट्ठा होने वाला है, यानी कि अपने ये बिजनेस को और फैलाने के चक्कर में है, यानी कि निर्णय अच्छा है। और ज़्यादा समझना हो, ज़्यादा डीपली जाना हो, तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और इसको इंग्लिश समझने वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर हिंदी में समझना हो तो वो हिंदी ट्रांसलेट करके समझ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।